सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी मेरा फिंगर रिंग्स कलेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। ये सारी मेरी फैंसी फिंगर रिंग्स है। इसमें मेरे कुछ सिल्वर फिंगर रिंग्स है और यहाँ पे मैं अपनी गोल्ड प्लेटेड या फिर गोल्ड वाली इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये मैं अपनी फैंसी और सिल्वर फिंगर रिंग्स मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारा मेरा कलेक्शन है एंड मुझे मेरे कलेक्शन से बहुत प्यार है। मुझे फिंगर रिंग्स बहुत अच्छी लगती है। अगर आप देख रहे हो, अभी भी मैंने हाथों में चार चार फिंगर रिंग्स पहन के रखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये वाले बॉक्स से शुरू करती हूँ कि इसमें कौन सी वाली है। तो इस बॉक्स में जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये थोड़ी सी हैवी वाली रखी हुई है। इसमें मैंने ये मिरर वाली इस टाइप की रखी हुई है जो मुझे बहुत पसंद आती है। ये मैं अपने हाथों में आपको पहनाकर बताती हूँ। तो ये जैसे ना एक सिंगल से इस तरीके से पहन लो उसको, तो ये बहुत सुंदर लगती है हाथों में। तो ये जो है ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर इसका जो है वो है और बहुत प्यारी लगती है ये। देन एक और है मेरे पास, ये मेरी बहुत फेवरेट है और ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। जस्ट आप सिंगल सा पहन लो ना इसको, तो ये आप देखिए, ये सिंगल ही काफ़ी है इस तरीके से, और इतना सुंदर लगता है हाथ, बहुत प्यारी लगती है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है, इन फिंगर रिंग्स की एडजस्टेबल है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी उंगली के साइज के हिसाब से। और तो ये दोनों ही फिंगर रिंग्स ना मुझे मेरी किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिली थी, तो मुझे बहुत पसंद है। एंड ये मुझे मेरी फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है सुरोस्ट्री, उसने मुझे गिफ्ट किया है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये ऐसा है इस तरीके का इमिटेशन में। देन यहाँ पे एक और है, ये मैंने शायद क्लब फैक्ट्री से ली थी और ये मुझे बहुत पसंद आती है। ये जो कैट वाली है और यहाँ पे उसकी टेल है क्यूट सी, तो ये भी मैं कभी पहनना हो तो सिंगल सा पहनती हूँ उसको, बहुत प्यारी लगती है मुझे। देन ये मेरी बहुत प्यारी बहुत पुरानी सी है ये फ्लावर वाली, और ये मैं बहुत पहनती थी। जस्ट ये सिंगल सा मैं पहनती थी अपने हाथ पे और इतनी सुंदर लगती थी। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं जब भी मैं इसे पहनती हूँ, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। और ये मैंने लोकल कहीं से शॉप से ली थी या फिर कहीं आसपास की मार्केट से ली होगी, तो मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से ली। देन ये मैंने आई थिंक ये लाइफस्टाइल स्टोर से ली थी। इस तरीके की है, दिस इज लाइक थोड़े से इसमें मोती एंड ऑल है, तो इस तरीके की है और बीच में स्टोन आता है, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। ये भी मैंने बहुत पहनी है और कलरफुल सी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। इसका एक स्टोन भी निकल के गिर गया था, तो मैंने इसे चिपका दिया था फेविक्विक से। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पुरानी कलेक्शन है मेरी ये। तो ये हो गया एक बॉक्स। चलिए यहाँ पे ना एक फिंगरिंग कम ब्रेसलेट है जो मैंने इस तरीके के पाउच में रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी ज्वेलरी पाउचेस में रखना बहुत अच्छा लगता है, इसकी शाइन बनी रहती है। ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पुराना है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी शाइन कितनी अच्छी बनी हुई है। तो ये इसको बेसिकली ना मैं आपको बताती हूँ कैसे पहनना होता है। ऐसे बीच में रिंग में डालकर, और ये नीचे ब्रेसलेट आता है इस तरीके से ऐसे हाथ में, तो ये उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो पहले ब्रेसलेट पहन लो ऐसे करके, एंड फिर एडजस्ट करके आप जो है रिंग को चढ़ा सकते हो अपनी फिंगर में, तो इस तरीके से ही आता है। देन यहाँ से एडजस्टिंग है, तो आप यहाँ से इसको जो है बटन एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे ही आता है। ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत डेलिकेट सा है, तो मुझे बहुत डर लगता है इसको पहनने में। तो मैं इसको पहन के रखती हूँ क्योंकि ये बहुत डेलिकेट सा है। तो ये है नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी मेरी जंक कलेक्शन है यहाँ पे। इसमें कुछ सिल्वर भी मिल जाएगी आपको। तो ये बहुत प्यारी सी एक फ्लावर रिंग है, मोती विद स्टोन, जो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था एज अ गिफ्ट। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से। यहाँ पहन लो या फिर यहाँ पहन लो, सिंगल पहन लो, बहुत अच्छी लगती है ये। देन ये भी ये जो है मुझे किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आई थी, ज्वेलरी सब्सक्रिप्शन में, और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसको भी ऐसे सिंगल पहन लो फिंगर में या फिर यहाँ पहन लो,
तो ये बहुत सुंदर लगती है। देन ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ली थी। जब मैंने इसे देखा क्लब फैक्ट्री में तो मैंने बोला ओ माय गॉश, ये कितनी सुंदर रिंग है, आप देख रहे हो कितनी सुंदर है ये, विद स्टोन्स एंड बीच में एक ब्यूटीफुल सा रेड कलर का एक स्टोन है अंदर। दिस इज लाइक दिस, तो इसको मैं पहनना बहुत पसंद करती हूँ। तो ये एक है, एंड ये भी मेरी बहुत पुरानी कलेक्शन है। ये आई थिंक मैंने शिल्पारामम से, मतलब एग्जीबिशन लगती है हैदराबाद में, तो वहां से शायद मैंने इसे लिया था। मुझे बहुत पसंद है ये, एंड इस तरीके की लगती है, दिस इज रियली प्रिटी। तो बहुत पुरानी है ये मेरी रिंग। देन ये मुझे अगेन सुरुश्री ने गिफ्ट की है, शी इज अ स्वीट हार्ट, मुझे इतने गिफ्ट करती है मैं क्या बताऊँ आपको। तो वो ये है क्यूट सी रिंग। देन ये मैंने बहुत प्यारी सी ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने आई थिंक मैंने अमेजोन से ली थी। लगा था मुझे कि ये स्टर्लिंग सिल्वर में होगी, बट नहीं, थोड़ा सा इसका कलर जाने लगा, बट ये बहुत प्यारी है, तो इसको मैं स्पेशल ओकेशंस में ऐसे पहन लेती हूँ, अच्छी लगती है। नेक्स्ट अप मेरे पास, एक मेरे पास मोती में भी है, सो ये मैं पहन लेती हूँ कभी कभी। देन ये मैंने क्लब फैक्ट्री से एक और मंगाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिस इज लाइक दिस फ्लावर वाली, सो ये बहुत सुंदर लगती है मुझे। क्लब फैक्ट्री में ना इतना अच्छा फिंगरिंग्स का कलेक्शन है कि मैं क्या बताऊँ आपको। देन ये मेरी बहुत प्यारी एक पुरानी कलेक्शन है, जो मैंने रैंडमली लोकल मार्केट से कहीं से ली। तो मुझे ये हार्ट शेप वाला, ये जो बीच में स्टोन है, बहुत अच्छा लगता है। देन सिल्वर में मेरे पास कुछ और है, मुझे पर्ल्स बहुत पसंद है सिल्वर में, सो पर्ल्स पहनती थी मैं। तो ये इस तरीके की है एक पर्ल वाली, दिस इज लाइक सिल्वर रिंग, एंड दिस इज ऑल्सो अनदर पर्ल सिल्वर रिंग। ऐसे भी पहन लेती हूँ मैं कभी कभी से। सो अभी फिलहाल मैंने एक और पर्ल पहना हुआ है, दिस इज फ्रॉम क्लब फैक्ट्री ओनली। देन ये कोरल पहना हुआ है मैंने इसमें, एंड देन एक और सिल्वर रिंग है जो मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी विद स्टोन। ऐसे बोला जाता है कि स्टोन्स मतलब आपके जो है राशि के हिसाब से पहनना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, पर मैं पहन लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। देन एक और ये सिल्वर में है, दिस इज लाइक सिंपल, बहुत अच्छी लगती है ये। देन ये भी सिल्वर में है, दिस इज विद 3 स्टोन्स, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। देन क्लब फैक्ट्री से मैंने कुछ ली थी, जिसके आप ये मैंने बहुत पहना, मुझे बहुत पसंद है ये। ऐसे मैं इस फिंगर में मैं पहनती थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये। क्लब फैक्ट्री में ये पूरा सेट मैंने लिया था, जो कि आप देख रहे हो, ये वाला सारा सेट आया था। अगर किसी को चाहिए तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। देन ये भी विथ पर्ल, बहुत प्यारी लगती है ये, दिस इज लाइक दिस। देन देर इज वन मोर, दिस वन जो छोटी फिंगरिंग में पहनती हूँ, दिस वन। देन ये मैंने लिया था अमेजोन से, इसका स्टोन मुझे बड़ा प्यारा लगा, और ये इसका कलर भी बहुत अच्छा है, कलर नहीं जाता इसका, दिस इज वेरी प्रिटी। तो ये अमेजोन से मैंने लिया था, आई थिंक दिस स्टोन इज कॉल्ड एमेथिस्ट, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा ये। देन ये एक और है, दिस इज लाइक दिस, ये भी क्लब फैक्ट्री की वो फिंगरिंग सेट की है। देन ये भी जो मैं पहनती हूँ इस फिंगरिंग में, दिस इज ऑल्सो दैट फिंगरिंग सेट फ्रॉम क्लब फैक्ट्री, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ओके, देन शैल बी मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। एक और मैं यहाँ पे आपको पाउच बताती हूँ, जिसमें मैंने मेरी फैंसी वाली, थोड़ी सी हैवी वाली रखी हुई है, ये इस तरीके की है। एंड ये मैंने मेरी एक फ्रेंड का स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर शॉपर्स हब, उससे मैंने ली थी। सेट मुझे मिला था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। सो इसमें आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है ये, बस स्टोन वाली आप देखिए कितनी सुंदर है, दिस इज वेरी प्रिटी, आई लव दिस। तो मैं अपनी हैवी ड्रेसेस या सारीज पे नहीं पहनती हूँ, ये राउंड वाली देख लीजिए कितनी प्यारी है, दिस इज वेरी प्रिटी। एंड देन ये वाली, दिस इज माई अल्टीमेट फेवरेट, बिकॉज दिस इज लाइक अ बिग चंक विथ लॉट ऑफ स्टोन्स, तो मुझे बहुत पसंद आती है ये, दिस इज माई अल्टीमेट फेवरेट। तो ये मैं पहनती रहती हूँ मेरी हैवी ड्रेसेस पे। देन यहाँ पे एक बॉक्स है, जिसमें भी कुछ मेरा हैवी स्टफ है फिंगरिंग्स का। देन ये आप देखिए, मैंने अमेजोन से मंगाई थी, मुझे इतनी पसंद आई, क्योंकि बहुत बड़ी है तो मुझे अच्छी लगती है।
और बड़ी वाली जो रिंग्स होती है ना, अगर आप सिंगल पहनोगे तो बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे अगर आप इससे तीन चार रिंग्स में कंबाइन करोगे फिर उसकी जो लुक है वो ढल सी जाती है। सो आप इसको सिंगल पहनो तो बहुत अच्छा लगेगा। ये अमेजोन से मैंने लिया था, तो ये मैंने लोकल किसी एग्जीबिशन से ली थी, फुल ऑफ स्टोन्स है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। देन ये भी मैंने अमेजोन से ली है, दिस लुक्स रियली गुड ऑन हैवी ड्रेसेस या फिर मेरी सैरीज वगैरह पे बहुत प्यारी लगती है रिंग। एंड ये मुझे किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेरी आई थी, इस तरीके की है, ये भी बहुत सुंदर लगती है, जिसके आप देख सकते हो। एंड देन ये एक और स्टोन वाली, ये भी मुझे सब्सक्रिप्शन में ही आई थी, दिस इज लाइक दिस। एंड देन ये एक मैंने जस्ट कहीं लोकल स्टोर से ली थी, ये इस तरीके की है, सुंदर लगती है बहुत। सो या दिस इज ऑल माई फिंगर रिंग। सो ये सारा दोस्तों मेरा फिंगरिंग कलेक्शन है। सो या दैट्स इट दोस्तों, ये सारा मेरा फिंगरिंग कलेक्शन है। बताना आपको कैसा लगा है, होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और बताना कि आपको कौन सी वाली फिंगरिंग्स मेरी अच्छी लगी, और ये भी बताना कि आपको फिंगरिंग्स पहनना अच्छा लगता है या नहीं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और भी आप मेरी कलेक्शंस कोई देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, और बस देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे चैनल में चल रहा है एक अमेजिंग सा गिव अवे, तो उसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, या फिर आई बटन में होगा तो चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ बहुत जल्दी, टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।